नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? इन इंटर्नशिप वालों के इंस्ट्रक्शंस सुन सुन के पक गए होंगे, है ना? तो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी, वो वीडियो आ चुका है जिसमें हम देखेंगे कि एक बेसिक कीलॉगर सिस्टम कैसे बनाएं। हे ऋषिकेश, क्या तुम इन्हें कीलॉगर बनाना सिखा रहे हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बस तुम्हें बताना चाहती थी कि कीलॉगर का उपयोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और एथिकली करना चाहिए। और हाँ, ये बातें तुम अपने सब्सक्राइबर्स को भी बता देना। हाँ ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा। आपने तो सुना ही होगा अदिति ने क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करो। हम सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करेंगे। इन सर्च बार टाइप पाइथन एंड क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। देन क्लिक ऑन डाउनलोड्स। Then click on download Python 3.11.4. Then select your preferred Windows installer. Mine is 64-bit and click to download. Then click on installed software. Then click on add Python to path. And click install now. Now open GitHub repository link mentioned in description. Click on code. Click on download zip. Now extract the zip folder. Right click on the folder and select extract all and extract. Now to run Keylogger, we need to install pinput library also. To install, type pip install pinput and press enter. Now first, we will run Keylogger without GUI. Type Python. File name with .py extension and press enter. Now Keylogger is running. We will check if Keylogger works or not. To check, we will type something and then it will create a log.txt file in the same directory or folder. What are you typing? Subscribe my channel? हाँ सही पकड़े,
इनको सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, ये करते ही नहीं। करेंगे, जरूर करेंगे, मैंने तो कर लिया। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू अदिति। कमिंग बैक टू टॉपिक, एज मेंशन्ड अर्लियर, आर लॉग डॉट टीएक्सटी फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड टू स्टॉप यूजिंग कीलॉगर प्रेस एस्केप बटन। Here we can see all the typed text including the modifier keys also. Now we will run Keylogger with GUI. Just click on the file and press Start Keylogger. This will save the typed text in the same txt file. Again type something and check the log.txt file. You can stop Keylogger by pressing Stop Keylogger button. Here you can see the text that I typed in before. और हाँ, आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने चैट जीपीटी की मदद से बनाया है। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई डिड इट, यू कैन रेफर द पीडीएफ मेंशन्ड इन माई गिटहब रेपो। लास्टली, एज रिकमेंडेड बाय अदिति, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।